भाई जगदीश जी कड़ेला जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और आजाद समाज पार्टी के गठबंधन का उम्मीदवार है, उप प्रधान संपत जी मेरी बहन और हर साल हर समय संघर्ष में मेरे साथ रही मेड़ता की लोकप्रिय विधायक इंदिरा बावरी जी, रामरथ जी डीआर साहब, पालिका अध्यक्ष हमारे माधुराम जी, बालाराम जी घर के ही सारे बालाराम जी और पूरी जो टीम है, सम्मानित मंच हाजी साहब अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर हमारे उपस्थित, मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, प्यारे बच्चों, बोरुंदा के अंदर जिस जोशीले अंदाज के अंदर आपने स्वागत सत्कार किया और बड़ी इच्छा थी बिलाड़ा वासियों की कि बोरुंदा से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आजाद समाज पार्टी के संयुक्त उम्मीदवार की चुनावी सभा का आगाज किया जाए, क्योंकि बोरुंदा वो इलाका है जो हर आंदोलन के अंदर, चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे जागीरदारों के खिलाफ संघर्ष हो जमाने का, आर्मी के अंदर भी यहां के किसान के बेटे और अन्याय के खिलाफ अगर लड़ाई का बिगुल बजता था तो बोरुंदा भोपालगढ़ बिलाड़ा के इलाके हमेशा संघर्ष में अग्रणी भूमिका निभाते थे, वो आगे की ओर खड़े रहते थे, वो हमेशा न्याय के लिए लड़ते थे। इसलिए बोरुंदा से मैंने इसका कार्यक्रम की शुरुआत करी। बोरुंदा के किसानों के बच्चे किसान हनुमान बेनीवाल की हमेशा मदद करते हैं। पिछले 20 साल के अंदर जब भी कोई हुंकार भरी, ललकार भरी, कोई भी कार्यक्रम हुआ, एक टेलीफोन करता हूं, 50 गाड़ी यहां से आप बच्चों की लेके आते हो। मुझे कभी नहीं कहा हनुमान जी तेल कहां से भराए, कैसे संभव होगा। और यही परिणाम है, इसी की वजह से हनुमान बेनीवाल राजस्थान के अंदर मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहा है कि सबसे ज्यादा किसान के बेटों का, किसानों का सहयोग हमेशा मेरे साथ रहा। एक ही संदेश आपको दूंगा, आप मजबूत हैं। हमें इस बार बिलाड़ा के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के उम्मीदवार को जीता के भेजना है। देखिए राजस्थान के अंदर जो चुनावी रण है, इस रण में न तो बीजेपी की आंधी चल रही है और न कांग्रेस की आंधी चल रही है। अगर चल रही है तो तीसरे मोर्चे की आंधी राजस्थान के अंदर चल रही है। राजस्थान के रण के अंदर आरएलपी एएसपी गठबंधन तेजी से जीत की ओर आगे बढ़ रहा है। जीत के अंदर इस बार आपके सहयोग की आवश्यकता है। अगर बिलाड़ा जीत गए तो समझ लो कि सत्ता में आपकी हिस्सेदारी होगी, आपके बिना सरकार किसी की नहीं बनेगी। यह तय कर लो कि सर्व समाज बिलाड़ा में भाई हनुमान बेनीवाल के संघर्ष को वोट देगा, जो 20 साल से सत्ता छोड़ के सड़कों पे किसानों के सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है, जो मोदी की परोसी हुई थाली को ठोकर मार के देश के किसानों के सम्मान में 70 दिन सड़क पर बैठ के अपने भाइयों के सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है, जो किसान के बेटों के लिए जब सेना को ठेके पे दे दिया 543 सांसदों के अंदर अगर किसी ने मोदी को ललकारा और जोधपुर में 2,00,000 जवानों की रैली करके चेतावनी दी कि मैं आ रहा हूं दिल्ली की तरफ, तैयारी कर लो, वो आपका भाई हनुमान बेनीवाल है। तो हमें तो हर सुख दुख के अंदर अपने भाइयों के लिए खड़ा रहा, जिसने नारा दिया था जय जवान जय किसान, और उस नारे के साथ आगे बढ़ रहा है और साफ साफ बोला था कि जब भी जवान किसान को आवश्यकता पड़ेगी सत्ता को ठोकर मार के मेरे भाइयों के साथ खड़ा रहूंगा। और ये आपने देखा होगा, इस राजस्थान की तस्वीर आपने देखी होगी, पिछले 20 साल के अंदर जब गहलोत वसुंधरा के गठबंधन से पनपे अपराधी किसान के बेटों के सीने पे गोलियां बरसा रहे थे, उस वक्त कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेता
पहले स्वागत है बिलाड़ा विधानसभा में आपका। बिलाड़ा विधानसभा से पिछली बार आरएलपी के 38,000 वोट मिले थे, इस बार क्या? इस बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बिलाड़ा विधानसभा सीट जीत रही है। आरएलपी आजाद समाज पार्टी के संयुक्त उम्मीदवार जगदीश जी खड़ेला जीत कर अग्रसर है, और जो जवानों के अंदर आपने देखा होगा सर्व समाज का जो जोश है, वो निश्चित रूप से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी एएसपी गठबंधन को सत्ता के शिखर पर लेके जाएगा। दोनों पार्टियों से जनता परेशान है, जवान परेशान है, किसान परेशान है। जिस तरह अपराध राजस्थान में बढ़े, बेरोजगारी बढ़ी, किसान आत्महत्याएं बढ़ी, जिस तरह पेपर लीक की घटनाएं, बजरी माफिया का, निश्चित रूप से लोग यहाँ बदलाव चाहते हैं। बदलाव के रूप में, तीसरे विकल्प के रूप में लोग राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। पूर्व में भी बीजेपी के साथ में आपका गठबंधन था, एएसपी से गठबंधन करने का। बीजेपी के साथ गठबंधन था लोकसभा के अंदर, और जब बीजेपी किसान विरोधी बिल लेकर तो गठबंधन टूट गया। एएसपी का गठबंधन हमारा लंबा चलेगा, बहुत लंबा चलेगा। आप देखिए राजस्थान का चुनाव, उसके बाद लोकसभा का चुनाव, हरियाणा का चुनाव, ये लंबा चलता ही जाएगा। आपका एक नारा है, मैं किसान हूँ, बीजेपी और कांग्रेस कहती, हम तो शुरू से किसान है। बीजेपी और कांग्रेस किसानों के शोषक हैं, शोषण करने वाले, और मैं किसानों की रखवाली करने वाला। हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद। एक सोशल मीडिया पे और भी चल रहा है, आप गुस्सा बहुत जल्दी हो जाते हो। गुस्सा तो क्या, पानी इधर का पियो ना अपने, ना अपन सब। गुस्सा आता है अन्याय के खिलाफ, कोई बदमाशी करता तो गुस्सा करते, नहीं वापस सही भी हो जाता। अगर आरएलपी से कैंडिडेट अगर जीतते हैं आपके, जीते तो बिलाड़ा में विकास होगा, जो भी विकास के अवरुद्ध, जो विकास की गति को नए आयाम मिलेंगे, अवरुद्ध विकास है वो गतिमान होगा, और निश्चित रूप से ये प्रत्याशी बिलाड़ा को बहुत आगे तक लेंगे। बिलाड़ा की प्रमुख मांग है पानी, मीठे पानी की लेके आएंगे। बिल्कुल, ये जो पुराने नेता धोखा देके गए ना, खड्डे खोद के गए, उन खड्डों को मिटाएंगे, हम पानी भी लाएंगे, सिंचाई का पानी भी लाएंगे। आप धन्यवाद, धन्यवाद सर, धन्यवाद। जगदीश जी खड़ेला आए और श्री हनुमान जी बेनीवाल साहब का आप साफा पहना करके सम्मान करें, जिनका बहुमान करें, जिनका आगे अभिनंदन करें। परवाद में श्रीमान संतपाल जी के सम्मान के निमित्त मेरी पार्टनर है कि श्रीमान रामरथ जी बिश्नोई, श्री रामरथ जी बिश्नोई आए, और श्री संतपाल जी चौधरी का आप सम्मान करें, और इंदिरा जी बावरी के सम्मान के निमित्त मेरी पार्टनर है कि सुमन बांगड़ा, सुमन बांगड़ा आए, और जिनका आप सोर उड़ा करके सम्मान करें। श्री पुष्पेंद्र जी चौधरी के सम्मान के निमित्त मेरी पार्टनर है कि श्री संपत जी अड़ेगढ़, हमारे उपप्रधान बिलाड़ा से आप जिनका साफे के माध्यम से सम्मान करें। श्री आशुतोष जी बेनीवाल जिनके सम्मान के निमित्त मेरी पार्टनर है कि श्री सुनील जी करेला, श्री सुनील जी करेला आप, सुमन जी बांगड़ा है, और इंदिरा जी बावरी का आप सम्मान करें शॉल के माध्यम से। श्री आशुतोष जी का सम्मान श्रीमान सुनील जी करेला, फ्रंट लाइन के तमाम गुंजन लोगों का एक एक करके सम्मान किया गया। अब और अब एक बहुत सुंदर स्मृति के रूप में हल भेंट किया जा रहा है, मेरी पार्टनर है की परमादरणीय श्रीमान श्री रामपाल जी जालका, आप संयोजक बिलाड़ा श्रीमान मुकेश जी बांगड़ा, श्री महेंद्र जी, बहुत सुंदर हल यहाँ से स्मृति के रूप में भेंट किया जा रहा है, जो किसान का प्रतीक है, तालियां बजाएं सर, बहुत बड़ा भाग। और अब अगले ही मैदान पर 21 किलो का जो बहुत बड़ा हार है, माल्यार्पण करके यहाँ से अभिनंदन किया जा रहा है हमारे समस्त राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ता। इक्कीस किलो की माला लेकर के हमारे सभी कार्यकर्ता बंधु श्रीमान रामपाल जी जालखा, श्री रामरथ जी बिश्नोई, आप सभी लोग आगे आए और इस सम्मान के साक्षी बने। परमादरणीय श्रीमान रामरथ जी बिश्नोई, श्री संपतराज जी अड़िंग, श्रीमान राकेश जी गोटिया, परमादरणीय श्रीमान राम प्रकाश जी, श्रीमान रामचंद्र जी बेरा, श्री स्वरूप जी, श्रीमान सुरेश जी, ये सभी लोग आए और बहुत खूब भाई परमेश्वर जी डांगी।